हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाना। आज की हमारी स्पेशल रेसिपी है मैगी पास्ता चीज़ टमाटो। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। जो चीज़ी टमाटो होता है ना, इसका टेस्ट बहुत ही यमी लगता है। खासकर बच्चों को बहुत पसंद आता है। और आप इस तरीके से रेडीमेड पैकेट लाकर इंस्टेंटली इसे बना सकते हो, वो भी हार्डली सिर्फ 5 मिनट में। आप इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मैगी का पास्ता चीज़ टोमेटो का रेडीमेड पैकेट लिए हुए। इसे बनाना बहुत ही इजी है। ये इजीली 5 से 7 मिनट में रेडी हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, चलिए अभी हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे डायरेक्ट नहीं बनाएंगे। पहले हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि आप गैस पर पकाने से पहले इसके अंदर जो दोनों पैकेट्स होते हैं उसको पहले मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इसके अंदर एक मसाले का पैकेट होता है और ये पास्ता, ये इसमें डाल लेना है। इसमें हम ये पाउडर डाल देंगे। इसके अंदर अगर आप चाहो तो वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं ऐड करे, बस ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे ही बनाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पर हमने पहले सूखी चीज़ों को मिक्स कर दिए है। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसे ड्राई चीज़ों को मिक्स कर दिया। अभी हम इसमें यहाँ पर हमें 2 कप पानी ऐड करना है, मतलब टोटल 250 ml वाटर डालना है इसके अंदर, पैन के अंदर। यहाँ पर हमने 1 कप डाल दिए हैं और अभी 1 कप डालेंगे। ये देखिए, इसे डाल दिया। अभी हम इसे गैस पर रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अभी हम इसे बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट पका लेंगे। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें यहाँ पर बीच बीच में 2 से 3 बार चला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हमने इसे चलाते हुए पका लिए हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट बना हुआ है, ये थोड़ा भी नीचे नहीं लगा है। ये देखिए, अभी हम आधे मिनट के लिए और थोड़ा से पका लेते हैं। यहाँ पर हमने इसे धीमी गैस पर ही पकाए हुए हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैगी का पास्ता है चीज़ी टोमेटो रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारे YouTube चैनल खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।